झूठा दोग में चरितार्थ किया, ये बहुत बड़ी बात थी। श्रमिकीकरण, लेबराइजेशन, इसको प्रैक्टिकल उन्होंने शेप दी। और जूट उद्योग में वो श्रमिकों की सर्वोच्च समिति के, प्रबंध समिति के चेयरमैन भी रहे। और बंगाल प्रदेश से निकल के जब वो दिल्ली में अखिल भारतीय महामंत्री हो गए भारतीय मजदूर संघ के, तो 2011 में जलगांव अधिवेशन में उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की दूसरी एक और संकल्पना, चलो गांव की ओर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, चलो गांव की ओर को उन्होंने एक नया रूप दिया, नई गति प्रदान की, और उस अभियान को उन्होंने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। उनका, बैद्यनाथ जी का सारा कार्यकलाप जब एक दृष्टि से देखते हैं तो वो प्रमाणों के कार्यकर्ता थे। द्विपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, या किसी कार्यशाला में जाना हो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में जाना हो, आईएलओ में जाना हो, वो पूरा होमवर्क करके जाते थे, पूरे आंकड़े जुटाते थे। और उनकी ओरेटरी, उनका व्यक्तित्व, वो प्रभावी होता था। उसमें उत्तेजना नहीं होती थी कि तालियों की ही गड़गड़ाहट होती रहे, ऐसा नहीं, लेकिन कन्विंसिंग उनका वक्तव्य होता था, क्योंकि उसमें आंकड़े होते थे और सुनने वालों को वो प्रभावित करते थे। देश विदेश में कई सेमिनारों में भारतीय मजदूर संघ का उन्होंने बड़ी दक्षता और बड़ी योग्यता से नेतृत्व किया, प्रतिनिधित्व किया। जब वो दिल्ली ठेंगड़ी भवन में आ गए तो बहुत नजदीक से उनकी कार्यशैली देखने का हमें मौका मिला, अवसर मिला। और उसमें हमने देखा कि उनके मन में हमारे जो अन्य अन्य श्रमिक संगठन है, हमारे प्रतिभागी कहिए, हमारे प्रतिपक्षी भी कहिए, बैजनाथ जी के मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी, सर्व मित्र जैसे थे। मैंने देखा है कि अन्य अन्य संगठनों के भी, चाहे इंटक के हों, चाहे सीटू के हों, एटक के हों, एचएमएस के हों, बैजनाथ जी के रिश्ते तो सभी ही कार्यकर्ताओं से बड़े समरस रहते थे। ये ठीक है, वैचारिक मतभेद रहते होंगे, लेकिन व्यक्तिगत व्यावहारिक रिश्ते जो थे वो एक प्रकार से मित्रता के उनके रहते थे। ये भी उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा गुण था। फिर राजनीति से ऊपर उठ के जहां सरकार का विरोध करना है वो हमेशा अग्रगण्य रहते थे। निजीकरण हो, या इसका अंधाधुंध लेबर रिफॉर्म हो, ये 2003 काल की, माने वर्तमान काल की बात है। सरकार का जहां विरोध करना है तो डट के विरोध के लिए भी खड़े हुए वो। तो ऐसे एक कार्यकर्ता जो सर्व मित्र थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हर प्रकार से केवल बीएनएस को ही सुदृढ़ नहीं किया, लेकिन भारत के समूचे श्रम आंदोलन को जिन्होंने एक दृढ़ता प्रदान की, और उनकी देन को सारा श्रम आंदोलन याद रखेगा ही, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के लिए तो उनकी बहुत बड़ी देन है, उनका बहुत बड़ा ऋण भारतीय मजदूर संघ पर है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, संगठन का भी अगर मुझे कुछ अधिकार है, उनके साथ रहते हुए सारा जीवन हमने, आज उनको इतना मिस हम कर रहे हैं, इतना याद कर रहे कि मुझे जो मन में अति पीड़ा होती है कि उनकी पुण्य स्मृति को मैं शत शत नमन करूं। लेकिन वेदना का विधान है, परमेश्वर की लीला है, नतमस्तक होना पड़ता है। मैं आज उनकी पुण्य स्मृति को अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से भी, उनका जो हम पर ऋण है उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, सदैव स्मरण रखेंगे। वो हमारे एक प्रकार से अनुकरणीय ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे बीच से उठ गया, हमारी बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन ईश्वर का विधान है, संसार चलता है, संगठन भी चलते हैं, कमी तो उनकी खलती रहेगी, और उनकी देन, उसके लिए मैं शत शत कृतज्ञ नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष प्रदान करें, और उनके परिवार जन, उनके आत्मीय जन, परिजन जो इस समय हमारे साथ है, मैं देखता हूँ परमेश्वर उनको बहुत शक्ति प्रदान करें कि वो इस आघात को सहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद डोगरा जी। जैसे मैंने ध्यान में लाया था कि आज इस अवसर पर श्रीमान बैजनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे
विभिन्न केंद्रीय श्रम संघों के प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस समय INTUC के प्रमुख कार्यकर्ता, इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान अशोक सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अशोक सिंह जी को निवेदन करूंगा कि वो बैद्यनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्रीमान अशोक जी, अशोक सिंह जी। उपाध्याय जी, ब्रजेश जी, धन्यवाद। राय साहब के विषय में क्या कहूं, जितना कहूं कम होगा। जहां तक प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है, कहां कोई रह जाता है। ये तो नियम है, शाश्वत नियम है, ये सत्य है। जो आता है वो जाता है, कहां कोई रह जाता है। लेकिन बैजनाथ दास साहब कहां से चले, कहां पहुंचे, ये कहां से चले और कहां पहुंचे, किसी चीज को कमाने के लिए नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए पहुंचे। सेवा यात्रा थी उनकी। कितने सरल, सहज और विनम्र थे। मैं देखता था उनके साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई सम्मेलनों में साथ साथ मैंने भाग लिया है, और धरने में भी बैठा हूं उनके साथ, जमीन पे भी बैठा हूं। तो उनकी वो मुस्कुराहट, उनकी वो सहजता, उनकी विनम्रता, उनका वो ज्ञान, ये किसी से छिपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। और उन्होंने चुना इसको, जैसा कहा उन्होंने कि लॉ करने के बाद संयोग से मैंने भी किया, लेकिन इसके बाद इसी क्षेत्र को मैं उससे के अशोक सिंह, मैंने ये किया, मैंने लॉ किया, मैंने तो बातचीत होती रहती थी, बहुत ही सरल, देश में मैंने कई जगह। तो उपाध्याय जी, मेरा कहने का और सभी लोगों से जो उपस्थित है कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति हैं, थे वो है, मतलब थे नहीं है, और हमेशा रहेंगे। ऐसे व्यक्ति थे, मतलब विचार आदमी का कहां मरता है, विचार तो हमेशा रहता है। हम विचार को कह देंगे थे तो गलत होगा, विचार कभी मरता नहीं है। आदमी तो जाता रहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, विचार कभी मरता नहीं, वो हमेशा रहता है। उसका उसकी सोच हमेशा रहती है, उसकी सोच, उनकी सोच थे कैसे, जो हमको हमारे पास आए उसको हम कैसे, कष्ट में आया है, दुख में आया है, हम उसको कैसे सुख, उसके कष्ट का समाधान कैसे करें और कैसे उसको प्रसन्नता पूर्वक भेजें, ये उनकी एक पहचान थी। देखता था बगल में बैठते हुए बात करते रहते थे, और यूं पीछे बगल में बैठता था तो बाएं मुड़ी करके मुस्कुराते, कान में बताते रहते कि ये करना, ये करना, ये करना, शोक सिंह जी इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, चाहे चाहे आयलो की मिट्टी में, चाहे कहीं हो। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति थे बैद्यनाथ राय जी, उपाध्याय साहब और सैन्य, वो कभी हमारे बीच से जा ही नहीं सकते, हमेशा रहेंगे। क्योंकि विचार कभी मरता नहीं, भावना कभी मरती नहीं, सोच कभी मरती नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की पहचान ही उनके विचार होते हैं, और उनका चरित्र होता है, उनकी सहजता होती है, उनकी विनम्रता होती है। इतना सरल, इतना सहज, इतना विनम्र व्यक्ति बहुत कम मिलता है, उनमें से एक थे वो। ऐसे व्यक्ति को अभी कहूं चले गए, चले नहीं गए, हमारे सबके बीच में है, आज भी उपस्थित है। मैं उनसे रूबरू होके कह रहा हूं कि आपको सत्सत प्रणाम, और आपके विचारों को प्रणाम करता हूं, आपके कामों को प्रणाम करता हूं, आपको सत्सत नमन करता हूं। और बाबा विश्वनाथ काशी का हूं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप को विचारों को और इस देश में मजबूती प्रदान करें, उसकी आवश्यकता इस समय, जैसा आपने कहा, इस देश में चाहे वो किसी भी जो लगाता है, जो अपने को लगाता है, दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो बैद्यनाथ राय जी सबका सम्मान करते थे, अपने विचारों से, अपनी विनम्रता से, अपनी सहजता से।
लगता है डिस्कनेक्ट हो गया। अशोक सिंह जी की वॉइस, हेलो आवाज नहीं आ रही। आ रही सेक्रेटरी साहब कुछ आवाज अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व था, सबको लेकर चलने का व्यक्तित्व था, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का व्यक्तित्व था, राष्ट्र हित में, मजदूरों के हित में, कामगारों के हित में, कमजोरों के हित में, सबको लेकर साथ चलना, बढ़ना, सबको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, ये उनके जीवन का एक उद्देश्य था। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी व्यक्तित्व को मैं सत नमन करता हूं और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनको जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, उनको शांति दें, उनको शक्ति दें, उनको प्रसन्नता दें। हम सब उनके उनको प्रणाम करते हैं, उनके परिवार को मैं वो बारंबार प्रणाम करते हुए, आप सारे लोग जो उपस्थित हैं उनको प्रणाम करते हैं, ब्रजेश उपाध्याय जी को प्रणाम करते हुए, उन्होंने अवसर दिया कि मुझे इस अवसर पर उपस्थित होना है। नहीं होता, नहीं रहता, उनको नहीं करता तो मुझे तकलीफ होती, वेदना होती, इस वेदना से उपाध्याय जी ने बचाया, इसके लिए उनको धन्यवाद। और पुनः राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से, इंटक की ओर से, हृदय से, मन से अपनी श्रद्धांजलि माननीय विजय बैजनाथ राय साहब को अर्पित करता हूँ। वो हमारे पड़ोसी थे, आजमगढ़ के थे, कलकत्ता चले गए, कहते थे हमसे मैं आपका पड़ोसी हूँ, आप बनारस के, मैं आजमगढ़ का, बंगाल चला गया तो बंगाल चले गए, क्योंकि मैं देश तो एक ही भारत में थे, हमने कहा पड़ोसी तब भी थे, आप भी हैं, देखिए आप भी बगल में बैठे हुए हैं, तो ये भावना थी। तो खैर बातें तो बहुत है कहने की, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है, ये वक्त ऐसा है मौन रहकर, मौन होकर, नतमस्तक होकर, विनम्र होकर ऐसे व्यक्तित्व को, उनकी आत्मा को, उनको आत्मा आत्मा कोई आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, उनके परिवार को भी। आप मुस्कुरा क्यों रहे मान्यवर? ये मुस्कुराने का संबंध नहीं है, ये तो गंभीर होकर मन से श्रद्धांजलि देने का है, मन से, वचन से, कर्म से। अगर हम उनको मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं, तो यही हमारा आचरण होना चाहिए। और मैं पुनः एक बार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से माननीय बैजनाथ राय जी को, क्योंकि उनको मैं मरा हुआ नहीं समझता, अपने से बिछड़ा हुआ नहीं समझता, वो समझता हूँ वो है, ये समझ कर सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखिए उनको मैं प्रणाम करते हुए राय साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहां भी हों खुश रहें, मस्त रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। जय हिंद, जय मजदूर, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद अशोक सिंह जी। बहन अमरजीत कौर अभी शायद जुड़ नहीं पाई हैं, हरभजन जी अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वो दोनों जुड़ेंगे अपने बीच में। बहन मनाली सेवा लगता है आरके शर्मा जी जुड़, हाँ आरके शर्मा जी और जी भी मनाली जी, राजीव डीमरी जी, ये सब लोग उपस्थित हो गए हैं, श्रीमान भगैया जी भी जुड़ गए हैं। मैं विषय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान तपन सेन जी, जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के महामंत्री हैं, मैं तपन दा को निवेदन करूंगा वो अपनी श्रद्धांजलि रखेंगे। श्रीमान तपन जी, सुनाई दे रहा है भाई? हाँ हाँ, तपन दा आ रही, आवाज आ रही। अच्छा, आ रही है तपन सेन जी। एक ऐसा एक अवसर है जो मन को वजन बढ़ा देता है, भार कर देता है। बैजनाथ जी हमारे बहुत पुराना शरीर थे, चले गए और ऐसी एक स्थिति में चले गए जब देश भर ये कोविड का महामारी चल रहा है, ये हम सबको लिए दुखद है। और CI2 का तरफ से शुरुआत में ही हम उसके लिए बड़ा शोक प्रकट करते हैं और साथ साथ उसका जो परिवार को अपने आंतरिक संवेदना ज्ञापन करते हैं, साथ साथ उनका जो BMS के जो सारे सहयोगी है उनको भी अपने आंतरिक संवेदना प्रकट करते हुए हम दो चार बात आपको सामने
बैजनाथ जी को हम जैसे देखा उसी का बारे में बोल सकता हूँ। करीब करीब बैजनाथ जी जब मजदूर आंदोलन में योगदान किया, करीब करीब लगता है एक ही समय हम भी मजदूर आंदोलन में भागीदारी शुरू की, और वो भी है एक ही राज्य में, बंगाल का जमीन में। बैजनाथ जी का तो जन्म जूट मिल एरिया में हुआ था, नॉर्थ 24 परगना का, सब लंबाई वगैरह, और जूट मिल में हेलो सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी जी हाँ, जूट मिल में एक संयुक्त आंदोलन के परंपरा भी था, और जूट मिल का जो मजदूर लगातार बहुत सारे कठिनाई झेलते हुए वो अपने जिंदगी बिताता था। तो इसीलिए बंगाल के ट्रेड यूनियन मूवमेंट का एक बड़ा प्रमुख हिस्सा था, बहुत अगुआ हिस्सा था जूट मिल वर्कर के जो आंदोलन, और वो आंदोलन में एक परंपरा था संयुक्त आंदोलन का, सारे यूनियन मिलके जूट मिल मालिकों के खिलाफ लड़ते थे, अपने मांग के लिए हड़ताल करते थे, लड़ाई करते थे। और बैजनाथ जी वही अंचल में अपना ट्रेड यूनियन, ऐसे फिजिकल जन्म भी लिया, अपना ट्रेड यूनियन का जन्म भी वही अंचल में हुआ जो नॉर्थ 24 परगना का औद्योगिक अंचल में, और उसको साथ भागीदारी किया। हमारे साथ डायरेक्टली एक साथ काम करने का मौका उस समय नहीं हुआ, हम दूसरा सेक्टर में था, लेकिन बहुत घनिष्ठ रूप में बैजनाथ जी से एक साथ काम करने का मौका हम लोग को मिला। जब हम संयुक्त आंदोलन में आया 2009 साल से बीएमएस के साथ, जब केंद्रीय स्तर में युक्त मंच बना, उसको पहले भी बना था एक दफे 2080 तक, तब भगत जी आदर्श था, उसको साथ भी हमको काम करने का मौका मिला 1988-89 तक, उस समय एक पीरियड था जो अब पब्लिक सेक्टर में और जनरल ट्रेड यूनियन आंदोलन में बीएमएस समेत सारे बाकी संगठन एक साथ काम करता था, एक साथ आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे, उस समय एक साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन उस समय भी बैजनाथ जी जातीय स्तर पर नहीं आए, उसका कर्म क्षेत्र था बंगाल। तो बाद में एक साथ एक्चुअली पर्सनल एसोसिएशन जो जिसको बोलता है, और उसको चलते जो दोस्ताना संपर्क बन गया था, वो 2009 ऑनवर्ड्स जब एक ट्रेड यूनियन मंच में आया, 2011 में वो बीएमएस का जनरल सेक्रेटरी बना, और उसी 2009 ऑनवर्ड्स बातचीत होते रहा, एक साथ बैठ के संयुक्त ट्रेड यूनियन के चार्टर ऑफ डिमांड ड्राफ्टेड हुआ, ये लेके तर्क हुआ, मत विनिमय हुआ। इट वॉज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस जो एक ट्रेड यूनियन आंदोलन के मुद्दे पर जब मत विनिमय होता है। पहला आई रिमेम्बर, पहले एक 5 सूत्री कार्यक्रम बना, उसको बाद वो 10 सूत्री बना, बाद में वो 12 सूत्री बना। वो 12 सूत्री कार्यक्रम आज भी जो संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का चार्टर ऑफ डिमांड का एक प्रमुख हिस्सा है, जो जिसी में भागीदारी बीएमएस को भी था और खास करके बैजनाथ जी को बहुत बढ़िया था, एक इम्पोर्टेंट भाग था जो लेके काफी लड़ाई हुआ हमारे देश में। और अभी भी हमारे जो आंदोलन चल रहा है जिसका सेंट्रल पॉइंट में है वो 12 सूत्री जो मांग पत्र ट्रेड यूनियनों का, संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का, जिसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मजदूर जिंदगी का, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर, और न केवल मजदूरों का मुद्दा है, आम जनता के मुद्दा है, बेरोजगारी का सवाल है, और डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है जो उसी में है, जो सामूहिक रूप में मजदूर आंदोलन देश के आम जनता के जो चाहत उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसका सूत्रायन में बैजनाथ जी का बड़ा भूमिका था। एक साथ हम लोग काम किया, वो एक बहुत चेकर्ड एक्सपीरियंस है, इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है। आज उनको श्रद्धांजलि देने के समय वो याद आता है, मेरा लगता है वो याद उजागर करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात यह है जो और एक स्पेशल रिलेशनशिप भी था, अच्छी बंगला बोल लेते थे, उधर ही उसका जन्म हुआ, बंगाली जैसा बंगला बोलते थे, तो हमारे साथ जब बातचीत होते थे वो तो बंगला में ही होते थे, और
इसमें हंसी मजाक के संपर्क भी बहुत क्लोज बन गया था, एक दूसरे को टिप्पणियां करना, हंसी मजाक करना, ये भी लगे रहते। ये भी एक बहुत पर्सनल एक स्मृति है, जब बैजनाथ जी का बात याद करते हैं तब बार बार याद आता है जो करते रहते थे। और इसी एक लंबा समय तक, एक 5 दशक के अधिक समय कोई कुछ कम नहीं है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में बिताया और अपने योगदान, अपने तरीके से अपना योगदान रखा है, एक बड़ा अनुभव है देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन का। और ऐसा ही एक अनुभवी जो नेता, वो उसका देहांत हुआ, अभी उसका योगदान और नहीं रहेगा, फिजिकल योगदान, ये सोचने से ही ये डेफिनेटली एक बड़ा दुख होता है। और यही शोक का बात है, उन्होंने जिंदा रहने तक अपने कंट्रीब्यूशन तो देते गया मजदूर आंदोलन में, वही उसका मूल कर्म क्षेत्र था, जब चले गए अपने योगदान को पीछे रखते हुए, हम लोग अभी तक जो है जिंदा और वही क्षेत्र में काम करते हैं, हमको वही याद को सामने रखते हुए, उसका योगदान को याद स्मृति में रखते हुए हम उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और वही होगा सबसे अच्छी तरीका, उनका जो देन था समाज में, जो कंट्रीब्यूशन था समाज में, उसको याद करना ही सबसे बड़ा श्रद्धांजलि होगा हमारी तरफ से, अपने आंदोलन के तरफ से, जो आंदोलन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही कहते हुए हम फिर बैजनाथ जी जैसे एक प्रमुख प्रवीण मजदूर आंदोलन के नेताओं को, उनको देहांत के बाद उसके प्रति हमारे सशद श्रद्धांजलि CIHU का तरफ से, और हमारे व्यक्तिगत तौर से एक व्यक्तिगत रिलेशन भी डेवलप कर लिया उनका परिवार के प्रति, हम फिर संवेदना प्रकट करते हैं उनका BMS के साथियों का प्रति, हम अपने संगठन के तरफ से गभीर संवेदना प्रकट करते हैं। और बैजनाथ जी का स्मृति को, यादगार को हम सम्मान करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपने बात खत्म करता है, ये कामना करते हुए जो उनका जो परिवार परिजन रह गया, वो ये शोक को, उनको सबसे बड़ा लॉस है, ये शोक को वो झेल सके, ये कामना करते हुए, ये संवेदना जनाते हुए हम अपने श्रद्धांजलि बैजनाथ जी के प्रति निवेदन करते हैं। और BMS के प्रति, पूरा लीडरशिप के प्रति भी हम अपने संवेदना प्रकट करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तपन जी। अमरजीत कौर जी भी है आया। हाँ, बहन अमरजीत जी जुड़ गई हैं, AITUC की महामंत्री बहन अमरजीत कौर जी। मैं अमरजीत जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी श्रद्धांजलि रखें। बहन अमरजीत जी, अनम्यूट करके कर दीजिए। अमरजीत जी, अमरजीत कौर जी, अमरजीत कौर जी आवाज आ रहा है ना? नहीं, उनको लिंक नहीं मिल रहा है। वो कनेक्ट हो गई क्यों? कनेक्ट हो गई थी, आई थी, बाद में स्लिप हो गया उसका। वो स्लिप हो रहा है, मुझे लगता है आप 5:30 बजे तक अशोक घोष जी आए थे, मुझे लगता है अभी उसके बाद में उनको। अमरजीत जी, अमरजीत जी का शायद लिंक ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ है, तो हम इसे आगे बढ़ाते हुए श्रीमान अशोक घोष जी अगेन कलकत्ता से, बैजनाथ जी के जैसे तपन था वैसे उनके पुराने मित्र और पुराने साथी, UTUC के महामंत्री, मैं घोष दा को निवेदन करूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि रखेंगे। अशोक घोष जी, मेरे आवाज सुनाई दे रहा?
आदरणीय सभापति जी और उपस्थित भद्र मंडली, कॉमरेड और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथीगण, ये हमारे लिए, मेरे लिए इतना दुख के बाद, बीएन राय जी मेरे पर्सनल फ्रेंड थे, ही वाज माय पर्सनल फ्रेंड. आई स्टार्टेड माय ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज विद द यूथ मिल वर्कर्स एंड परहैप्स ऑल ऑफ यू नो, आप सबको ये जानकारी है जो बंगाल में जूट मिल के एक लंबी लड़ाई की इतिहास है, लंबी लड़ाई जो ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेज के जब अंग्रेज शासन था तब से आज ये करीब करीब 80-90 साल 100 साल के एक इतिहास है जूट मिल के, एक लड़ाई की इतिहास. बैजनाथ जी के ट्रेड यूनियन करियर शुरू हुआ, शुरुआत है जूट मिल से, उसके पहले भी कोई कोई ट्रेड यूनियन काम से उनको संबंध था, लेकिन ट्रेड यूनियन लीडर उन्होंने बना जूट मिल वर्कर्स, जूट मिल के लड़ाई से. और वही टाइम जूट मिल के आंदोलन में लेते 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 बैजनाथ जी से मेरे एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, और ऐसा मुझे लगा एक परफेक्ट जेंटलमैन. मैंने ऐसा देखा है जो एक सिंगल लाइन में कहा जाता है ऐसा, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ दैट ही वॉज ऑनेस्ट, नो डाउट. इन पर्सनल लाइफ, इन ट्रेड यूनियन लाइफ, बीएन राय वॉज अ ऑनेस्ट लीडर. दूसरी जो बात है, बीएन राय मोस्ट सिंसियर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर. एक्चुअली बीएन राय वॉज नॉट ए लीडर, मजदूर उनको लीडर बना दिया, बट ही वॉज अ ऑर्गेनाइजर. उन्होंने अच्छा बड़ा संगठक था. तीसरा है जो तीन गुनाबली एक ट्रेड यूनियन वर्कर ऑर्गेनाइजर के जरूरत है, ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर के लिए जरूरत है तीन गुनाबली, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी. ये तीन गुनाबली हमारे बीएन राय साहब के अंदर था. मैंने याद है माय ब्रदर सज्जी नारायण, सज्जी ऑल्सो रिमेम्बर दैट व्हेन आफ्टर चेंजिंग द गवर्नमेंट इन 2014 में सरकार बदलने के बाद, जब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, इन द ईयर 2015 इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर बीएन राय वॉज द वाइस चेयरमैन, एंड ऑल्सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग on behalf of the trade union working class, and he spelled out all the issues in front of prime minister. Some of the issues may not be palatable, I think was not palatable to prime minister or the government, but he spoke courageously, sahas ke saath, himmat ke saath. मजदूर वर्ग के जितना प्रॉब्लम ओ टाइम दैट इन दैट ईयर वी हैड इंक्लूडिंग ऑल द ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग बीएमएस, वी हैड 10-point चार्टर ऑफ डिमांड. बीएन राय जी अपना कंधा में मजदूर वर्ग के भार उठा लिया और उन्होंने 10-point चार्टर ऑफ डिमांड को जस्टिफाई किया, और ये उन्होंने बताया कि ये छोड़ के, ये 10-point चार्टर ऑफ डिमांड छोड़ के मजदूर वर्ग के और कोई दावी नहीं. ओ दिन शुरुआत के दिन, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस शुरुआत के दिन रात में एक डिनर पार्टी था, और डिनर पार्टी में मुझे ऐसा याद है ये कोई कोई मंत्री महोदय बीएन राय जी को ऐसा बोला जो आपने ठीक कम नहीं किया, ऐसा लगा का ऐसा सबको ऐसा मालूम हुआ.
the assembly, the gathering was, the gathering felt that VMS had some problem with the government. But Vaidyanathji strongly depicted the issues. Said, no, I am dedicated to working class, working people. I cannot shift my duties to spoke their issues. Vaidyanathji, a simple man, very simple livelihood. आज तो ऐसा लीडर की जरूरत है ना, मैं ज्यादा कुछ कहने के मुझे इच्छा नहीं. ये तो दुख के बाद जब मैंने सुना, इट वॉज द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज टू मी. जब बैजनाथ जी को देहांत हो गया, ही इज नो मोर, इट वॉज द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज टू मी. टू यू टू सी आई से व्हाट यू टू सी फील, दैट इज टूडे ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास and trade union are facing so many problems, livelihood, khane jeene ke problem, unemployment is there, rapid increasing. Ek sangram ek ladai ki zarurat hai aur wo united ladai. Mazdoor barg ke andar koi division ye acha nahi. Aaj mazdoor barg kya mangta, what is the demand of the working class? Working class, only one, simple demand of the working class. We want a leadership, a courageous leadership. We want a united leadership. We want unity among the trade unions, no division among the trade unions. Trade unions should be united. When the demands are same, when no difference of the demand, when the trade unions are committed to the working class issue, when the trade unions, all the trade unions are opposing privatization, when all the trade unions are in favor of the working class law, not the amendment of Trade Union Act or Industrial Dispute Act. Working class need the united action. Who may be in the government, that is not the issue. Working class should be united, working class leadership should be united. We feel, UTUC feels, to commemorate our leader, our departed leader, B.N. Rai, it should be the task of the trade union to get united, to organize a fight, to organize a demonstration, to organize a strike. A strike means, I am not telling about a strike, but I mean to strike the government. To strike the government, सरकार को ये समझना होगा, सरकार को नीति बदल करना होगा. सरकार को नीति के खिलाफ में देश भर आम जनता है, देश भर ये सरकार को सोचना पड़ेगा. ये सरकार को ये आवाज सरकार के पास मुझे पहुंचना है. इसीलिए ट्रेड यूनियन यूनिटी इज नेसेसरी. आई विल रिक्वेस्ट अमंग आवर लीडर्स आर देयर, ऑल द लीडर्स शुड थिंक इट सीरियसली. अब बैजनाथ राय इज ऑलवेज विथ अस, इज ऑलवेज विथ अस, डेडिकेटेड. वी नीड, वर्किंग क्लास नीड अ डेडिकेटेड लीडरशिप, वर्किंग क्लास नीड अ सिंसियर लीडरशिप, वर्किंग क्लास नीड अ ऑनेस्ट लीडरशिप. The Vaidyanath Rai, B.N. Rai, always will be with us. UTUC express our heartfelt condolence to the family of brother B.N. Rai, and also we think BMS is also a family. To the family of BMS, we express our heartfelt condolence. We pay our homage to our comrade B.N. Rai. I conclude with this. थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच दादा अशोक घोष जी. अमरजीत जी दोबारा जुड़ गई हैं. मैं बहन अमरजीत कौर जी को निवेदन करूंगा कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें. अमरजीत जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं मैडम. अमरजीत जी फिर से डिस्कनेक्ट हैं क्या? हाँ जी, दो बार डिस्कनेक्ट हो गए. अमरजीत मैडम, अमरजीत जी, हेलो अमरजीत जी,
फिर आया, फिर एडमिट कर रहा हूँ उसको। अच्छा हाँ, देखिए मुझे लगता है स्टेबल होने दीजिए, बाकी दूसरा एक वक्त को बुलाइए, एक बार स्टेबल नहीं हुआ तो डिस्कनेक्ट होते रहे। तो मैं मनाली शाह जी है, आर के शर्मा जी है, नहीं वो वो, वो हो गई, कनेक्ट हो गई क्या, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अमरजीत जी, अमरजीत मैडम, अमरजीत मैडम नहीं है, आवाज तो आ रही है नहीं। हेलो अमरजीत मैडम नहीं है सर। नहीं, नहीं। मैं तब तक, बहन मनाली शाह हैं जो अपनी सेवा की महामंत्री है, बहन मनाली जी को निवेदन करूंगा कि श्रद्धांजलि रखेंगे। मनाली जी जी सुनाई देता है? प्लीज यस गुड गुड प्लीज। तो सबसे पहले सबको नमस्ते, और सेवा की ओर से मैं पूरे बीएमएस परिवार को और बैजनाथ जी के परिवार को श्रद्धांजलि देती हूँ। आज बैजनाथ जी हमारे साथ नहीं है, पर वो हमारी साथ हमेशा, जो लेबर मूवमेंट है उसमें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और ये काफी मुश्किल समय भी है बीएमएस को भी, बीएमएस के लिए भी और उनके परिवारजनों के लिए भी काफी मुश्किल समय है। सो उसमें हम भागीदार हैं, और ये जो दुख आया है तो वो सब लोग सह पाए कलेक्टिवली, सो ऐसी मैं श्रद्धा व्यक्त करती हूँ। मैं बैजनाथ जी को जब जॉइंट एक्शन ट्रेड यूनियंस की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, तब से मैं उनको, उनके संपर्क में मैं आई, और मैंने जो देखा उनको, तो दो तीन चीज मुझे उनमें, उनके जो गुण जो है वो मैं बताना चाहूंगी। एक तो एकदम सरल और एकदम विनम्र उनका उनका व्यक्तित्व, और मैंने उनको कभी उग्र होते हुए नहीं देखा है, और एकदम सरलता से अपनी बात रखते थे, और सरलता से सबको, नम्रता से सबको समझाते थे, वो मैंने उनमें देखा था। और तीसरी बात जो मैंने उनकी जो नोट की थी वो ये थी कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, और हंसते हंसते जो भी है वो बात कहते थे, सबको मनवाते भी थे। तो ये गुण उनके मुझे हमेशा याद रहेंगे, और मैं सेवा की ओर से बीएमएस को और उनके परिवार जनों को, जनों के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बहन मनाली जी। अमरजीत जी अभी कनेक्ट हो गई है फाइली, तो मैं बहन अमरजीत कौर जी को निवेदन करूंगा कि वो अपनी श्रद्धांजलि रखेंगे। बहन अमरजीत कौर जी जी, मुझे बहुत अफसोस है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, मैं ऑलमोस्ट एक घंटा लेट ज्वाइन कर पाई, उसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी तरीके से अब कनेक्टिविटी हो पाती है, फिजिकली नहीं मिल पाते हैं, और जिस मुश्किल हालात में हम हैं उसी मुश्किल हालात में हम बी एन राय जी को खो दिए इस महामारी के चलते हुए। तो इस महामारी ने बहुत से लोगों को भी अपने में समेटा है, और उनमें बी एन राय जी भी थे। मैं उनके बारे में गुरुदास दास गुप्ता जी से सुनते थे, उन्हीं से चर्चा होता था, और जब मैं बीच में थोड़ा सा ज्वाइन की तो तपन सेन बोल रहे थे, क्योंकि वो भी बंगाल की बैकग्राउंड से हैं, वो चर्चा कर रहे थे कि वो जूट मिलों में काम करते थे और ये वो, तो नेचुरली बंगाल के लोग तो सबसे पहले उनको जानते थे क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि थी। तो गुरुदास दास गुप्ता जी बात करते थे, और जिन दिनों में ये चर्चा हो रही थी कि सबको मिलकर के ट्रेड यूनियंस को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब ये बात होती थी कि कौन किससे बात करेगा,
ये बात करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। गुरुदास कहते थे अरे हम बात करेंगे ना, जो बैजनाथ जी से बात करेंगे हम, तो वो हमारे बंगाल के हैं, हम लोगों का बहुत अच्छा आपस में बातचीत है, तो हम उनसे बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि बीएमएस की लीडरशिप के बाकी सब साथियों के साथ बैद्यनाथ जी से जो बात हुई और उसको गुरुदास दास गुप्ता ही कंप्लीट करवा पाए, और जब एक बार हम एक साथ काम करने लगे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, तो मेरा नाम से तो परिचय था, उनके नाम से भी परिचय था, उनकी कर्म भूमि जहाँ थी उनकी उपलब्धियों के बारे में भी परिचय था, लेकिन उनके साथ एक साथ बैठ करके मीटिंगों में हिस्सा लेना, कार्यक्रमों का प्लानिंग करना, फिर उन कार्यक्रमों का आयोजन करना, वो सारा अनुभव जो है 2009 से हुआ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लगभग 10-11 बरस जो है उनसे नजदीकी से एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पे काम करने को मिला। और उनकी ये बात ठीक ही कह रही थी मनाली कभी गुस्से होते नहीं देखा, तो हम लोग मीटिंगों में के ऊपर तीखा भी बोलते थे, किसी बात से नहीं होते थे, एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी राय सख्ती से भी रखती थी। तो बड़ी बात है कि भीम राय जी के साथ भी उस तरीके की होती थी, पर वो गुस्सा कम होते थे और अपनी ही बात को मजबूती से मुस्कुरा के बोलते थे। तो ये तो मेरा भी अनुभव उनके साथ रहा, डीएन राय जी के साथ, और स्पष्टता थी। मुझे अभी भी याद है कभी मीटिंग बीएमएस ऑफिस में होती थी, कभी इंटक ऑफिस में, कभी एटक ऑफिस में, डीपीसीटू ऑफिस में भी, तो रोटेशनल मीटिंग भी होती थी, और जब जब हम बीएमएस ऑफिस जाते थे तो बड़ी सेवा भाव से कभी कभी ये जिद होता था कि नहीं आज हम लंच का अरेंजमेंट करेंगे, मीटिंग करनी ही उतने बजे है, उस हिसाब से करनी है। जब टी टाइम होता था तो टी टाइम होता था, लेकिन लंच के लिए इंतजार करते थे। तो मीटिंगें बहुत और एटक ऑफिस में ही बैठे हुए एक बार बहुत हम लोग जिद किए कि आप कार्यक्रम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है, आप क्यों रोक रहे हैं, हमें क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बीएन राय जी ने बेझिझक कहा अच्छा ये बात करनी पड़ेगी, मैं समझाऊंगा आपको कि हम क्यों नहीं अभी के लिए कार्यक्रम ले रहे हैं, आप तो सभी समझदार हैं तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो वो स्पष्टता से अपनी बात रख पाते थे और उसमें हल्की नहीं होती थी, ये सब तो हमारा भी अनुभव रहा। बहरहाल हम लोग उनको मिस करते हैं उन जॉइंट एक्टिविटीज के अंदर, और अब तो हमेशा ही मिस करना पड़ेगा, वो फिजिकली भी हमारे बीच में नहीं है, तो उनका बहुत योगदान जो अपने राज्य के अंदर बंगाल में जो उनकी कर्म भूमि थी वहां पर रहा, और फिर उनका योगदान यूनाइटेड ट्रेड यूनियन मूवमेंट में रहा। तो जब भी कोई ट्रेड यूनियन नेता जाता है उसके साथ उसके इतने सारे अनुभव होते हैं, जिन अनुभवों को वो अपने जूनियर्स के साथ बांटता है, नए काडर्स को, नए कार्यकर्ताओं को तैयार करता है, तो नेचुरली है कि उस संगठन का जिन यूनियनों से सीधे आदमी जुड़ा होता है, फिर राज्य से जुड़ा होता है, फिर केंद्र से जुड़ा होता है, तो उसके अनुभवों को ना पाने का जो जो खलल आ जाता है, जो खिला हो जाती है, वो तो नेचुरली बीएमएस के साथियों को तो सीधे ही महसूस हो रहा होगा। लेकिन ट्रेड यूनियन फ्रंट के ऊपर मैं ये कहूंगी कि हमारा कोई भी साथी किसी भी संगठन से अनुभवी साथी जाता है तो वो ट्रेड यूनियन आंदोलन की भी एक कमी होती है। इसलिए मैं बैजनाथ राय जी का इस समय जाना, और विशेष करके ऐसे समय में जाना कि हम लोग सब बहुत बड़ी गिनती में दफ्तर में इकट्ठे होके एक दूसरे को हेलो हाय करके ही उनको याद कर रहे होते तो अच्छा होता, पर हम इस तरीके से मिल भी रहे हैं क्योंकि जिस महामारी से गुजर रहे हैं उसी महामारी ने उनको भी हमसे छीन लिया। नहीं तो वैसे तो उनकी सेहत हम देखते थे कि काफी वो सक्रिय थे, एक्टिव थे, उनके चलने फिरने से कभी उनका उम्र का भी भास नहीं होता था। तो
मैं AIITUC की तरफ से, अपने सारे सहयोगियों की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से ये श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ BMS के पूरे परिवार को और उसके साथ साथ उनका जो निजी परिवार था उस निजी परिवार के साथियों को। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो भी दिग्गज नेता रहे हैं आपके संगठन के साथ, उसकी परंपरा को जो आप आगे बढ़ाएंगे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन मूवमेंट में, फिर से सेक्टर वाइज भी और यूनाइटेडली बड़े पैमाने पे वर्कर्स के कॉज के लिए, उस विषय को आप लोग भी संजीदगी से बढ़ाएंगे। और हम लोग तरफ से भी वादा है कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करें कि ट्रेड यूनियन वर्कर्स कॉज के लिए हमेशा जहां जहां भी जुड़ सकता हो, जितना भी जुड़ सकता हो, जितना भी कदम आगे चल सकता हो, हमारी भिन्नताएं भी रहेंगी, हमारे संघर्ष भी रहेंगे, आपस में हमारे मतभेद भी रहेंगे, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी रहेंगे, लेकिन हम साथ चल सकते हैं। ये तो BN राय को याद करते हुए हम कह सकते हैं ना कि हाँ, हम साथ चल सकते हैं, चलते थे तो आगे भी चल सकते हैं। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये आशा जताना चाहती हूँ कि भविष्य के अंदर हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन आगे बढ़ेगा और एक साथ और चल पाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी बात को फिर से अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू बहन जी, अमरजीत जी, थैंक यू। ब्रदर सुल्तान, आई होप अभी रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमान रमेश शर्मा जी, जो AIITUC के रिप्रेजेंटेटिव है, सेक्रेटरी है, मैं शर्मा जी को निवेदन करूंगा जो अपने श्रद्धांजलि रखेंगे। आरके शर्मा जी, शर्मा जी अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करके। यस शजी, यू आर देयर आई कैन सी। हां, आवाज आ रहे अरे यारे भाई साहब, आ रही है, प्लीज आ रही है आवाज, आ रही। सभी को नमस्कार। आज की सभा के अध्यक्ष और तमाम नेतागण, BMS के तमाम नेतागण, दूसरे ट्रेड यूनियंस के नेतागण, मैं अपने ओर से और हमारे संगठन AIITUC की ओर से श्रद्धेय बैजनाथ जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और BMS परिवार को और बैजनाथ जी के परिवार को के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं कि इस जो लॉस, ये जो मतलब ये जो आघात, इसको सहने की शक्ति, ये मेरी समझ से ये बहुत माने BMS परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात है और उनके परिवार के लिए भी, और हम उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ अपना उनके साथ हैं और उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। देखिए, वो पीढ़ी मतलब बहुत कुछ सिखा के गई है, क्योंकि मैं बैजनाथ जी के साथ मैंने एक ऐसा संबंध देखा जैसे मतलब छोटे भाई के साथ जैसे करते हैं, मतलब उसमें बड़े भाई की छवि दिखाई देती थी। और एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से ऐसे मैंने जीवन में बहुत अनुभव किया है और मतलब कुछ चीजों ने मेरे को काफी परेशानी में डाला कि सच तो कहना है लेकिन वो कहने का ढंग कैसे होगा। मतलब एक जिसे कहते हैं ना, मतलब अपनी बात को रखना और उसको सॉफ्टली रखना, लेकिन उसमें दृढ़ता कितनी है। मतलब ये जो कैरेक्टर का जो एक पहलू, मैंने बहुत सारे नेताओं से बहुत कुछ सीखा है और ये, लेकिन बैजनाथ जी का ये जो पहलू
कि सॉफ्टली रखते हुए भी वो कितनी दृढ़ता से रखी जा सकती है, विनम्र होते हुए भी कितना दृढ़ता से रखी जा सकती है बात, ये क्योंकि मेरा उनका संपर्क भी जब जॉइंट मूवमेंट, जब ये ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हुए, बैठकें होती थी और आदान प्रदान, और नेचुरल बात है कि कुछ बातों को लेके आपसी एक जो टकराव तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक आपसी आदान प्रदान में, तो हम जहां, मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा उन्हीं मीटिंग्स में, मतलब अपना टेम्पर लूज करते हुए भी देखा, और फिर मतलब, लेकिन मैंने वैजनाथ जी को इस रूप में कि बात रखनी है, कितनी उसको कितनी सहजता से, कितने सॉफ्ट तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन मजबूती कितनी है, वो भी ये एक लेसन, माने एक लेसन फॉर लाइफ, मतलब ये वैजनाथ जी का मुझे याद है। फिर कभी कभी बोलते थे, मतलब भाई की तरह से तो कंधे बात मार के, तू चीजों को समझता तो है नहीं। मैंने कहा तो कॉमरेड, क्यों, मैंने एक बार पूछा, दादा मैं आपको कॉमरेड बुला दूं, बोला अरे तेरे को कौन मना करता है आप, तो मैंने कहा दादा आप सिखा दो ना, फिर इसीलिए तो हम हैं भाई, जब जब आप बोल रहे समझता तो है नहीं, तो वो ऐसा एक संबंध था, माने व्यक्ति को, व्यक्ति के साथ, मतलब कोई जब सैद्धांतिक मतभेद, सैद्धांतिक बात, अडिग दृढ़, जब व्यक्तिगत में सॉफ्ट, सॉफ्ट से भी सॉफ्ट, ऐसा करेक्टर जाता है। मुझे भी सुन के बड़ा मतलब ये हुआ, आघात लगा। मैंने जब शंकरदा को बताया, शंकरदा की तबीयत भी आजकल ठीक ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा लॉस है, तो मैं पुनः अब उनको याद करते हुए, उनकी स्मृति को याद करते हुए, उनके उनके लाइफ के लेसन्स को याद करते हुए, मैं उनको पुनः अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और पुनः अपनी संवेदना BMS परिवार के साथ और उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि आप इस आघात को सहने की शक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। राजीव डिमरी जी, राजीव जी हैं हमारे बीच में, सीसीटीवी के महामंत्री, मैं राजीव डिमरी जी को निवेदन करूंगा, अपनी श्रद्धांजलि रखेंगे। राजीव डिमरी जी, धन्यवाद। साथियों, बैजनाथ जी के निधन की खबर वाकई बहुत स्तब्ध करने वाली एक शॉकिंग खबर थी। जहाँ तक मैं जानता था वो बहुत फिट थे फिजिकली, हेल्थ वाइज, पर अचानक ये मालूम लगा कि इसी महामारी के चलते उनका निधन हो गया। मेरा उनसे परिचय 2011 में हुआ था, और शायद तभी वो महासचिव भी बने थे, और ये परिचय, ये जब हम लोग जेनेवा में ILO का कॉन्फ्रेंस था, शायद 100वां साल था, 100वां सेशन था या क्या 100वां उसका वो था, उसमें हमें भी जाने का अवसर मिला था, और उसी समय से बैजनाथ जी को पर्सनली मैं जान समझ पाया था। वाकई में वो एक उनके प्रभु गुणी थे, जिसके चर्चा भी साथियों ने की है, लेकिन हाँ मैंने भी ये महसूस किया, ये पाया, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे और बहुत ही थोड़ो एक जेंटलमैन साथी थे। और उसके बाद फिर जॉइंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जिसके बारे में सभी साथियों ने चर्चा करी, उसमें भी हम साथ रहे, और उनको हमने हम देखने समझने का मौका मिला। हमारे बंगाल के साथी, खासकर जूट के और वहाँ के हमारे लीडरशिप भी, उनसे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से उनके साथ
जान पहचान थी, उनका उठना बैठना था बीच बीच में, और वो साथी लोग ने भी उनके बारे में मुझे काफी कुछ बताया था। तो अवश्य ही उनके जाने से भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन ने अपना एक वरिष्ठ नेता, अपना एक वरिष्ठ साथी खो दिया है, और वो भी ऐसे समय में जब मजदूर वर्ग पर हम जानते हैं चौतरफा हमला चल रहा है और वो हमला अभी भी जारी है। ऐसे समय में बैजनाथ जी का जाना एक वाकई में एक बड़ी क्षति है, और ज़्यादा ना कहते हुए इस दुख की घड़ी में मैं उनके निधन पर इक्टू की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ऐसे दुख के समय में हम बीएमएस के साथियों के साथ और उनके परिवार के साथियों के साथ हैं। इन्हीं बातों को रखते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब डिमरी जी। विराट जी, दीपक जी हैं क्या? दीपक जी किसी कारण से भी नहीं आ पाए, मैं एक मिनट के श्रद्धांजलि दूंगा। हाँ, हाँ, तो निफ्टू की तरफ से श्रीमान दीपक जायसवाल जी। जी प्लीज विराट जी। विराट जी जी नमस्कार। राय साहब का निधन पूरे श्रमिक जगत के लिए, बीएमएस के लिए, इवन पूरे देश के लिए, मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। राय साहब श्रमिक जगत में एक बड़ी शख्सियत थे, मेरा उनसे कई बार कई मीटिंग में मुलाकात हुई। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल जी के साथ भी जिनीवा गए, उनके पर्सनल मित्र भी थे। तो जो ये COVID-19 के कारण, जो कोरोना वायरस के कारण उनका जो देहांत हो गया, पूरे देश को इवन हमारे संगठन को भी बहुत इससे दुख पहुंचा है, और मैं NFITU परिवार की ओर से श्रद्धांजलि उनके परिवार को, BMS को अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विराट जी। अभी ILO की तरफ से और फिर बाद में उनके परिवार की तरफ से और फिर हमारे एसपी तिवारी जी भी है, वो भी है, और एसपी तिवारी जी आ गए, बाद में हमारे सह सरकारवा जी मनोहर भागैया जी अपने बीच में है, फिर हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे, ऐसा एक छोटा सा समय भी रहता है। नहीं, मैं एक भूल गए आपने, बीच में संजय राय उनका परिवार से भी बताया ना मैंने, परिवार से उनको बताया मैंने, भूल नहीं गया। एसपी तिवारी जी प्लीज, UCC के महामंत्री एसपी तिवारी जी। आज की इस शोक सभा में बैजनाथ राय जी के बारे में अगर संस्मरण की बात करनी हो और श्रद्धांजलि देने की बात हो, तो भारतीय मजदूर संघ को जो आघात लगा है उससे ज्यादा आघात हमें लगा है। उसका कारण यह है कि बैजनाथ राय जी के साथ हमारे बचपन से रिश्ते रहे, इसलिए कि जिस विद्यालय में वो अध्यापक थे उसी विद्यालय में मैं छात्र था। काकीनाडा आर्य विद्यालय में वो अध्यापक थे और काकीनाडा आर्य विद्यालय में ही हमें हाई स्कूलिंग करने का मौका, इसलिए हमारा एक बचपन से ही उनके साथ एक रिश्ता था। हालांकि वो मॉर्निंग में टीचर थे और मैं दिन के क्लास करता था, लेकिन कभी कभी जब दिन में टीचर नहीं होते थे तो वो दिन में भी आते थे क्लास लेने। तो बड़े ही व्यवहारिक थे, सज्जन थे, और छात्रों के साथ बड़ा घुल मिल करके अपनी बात रखते थे, छात्रों की बात सुनते थे, इसलिए बड़े पॉपुलर थे वो टीचर। उसके बाद दो चीजें बड़ी कॉमन थी राय साहब के साथ हमारी। एक तो ये कि कलकत्ते में हम लोग एक ही सब डिवीजन यानी 4-5 किलोमीटर के एरिया में ही दोनों आदमी निवास करते थे, और दूसरा ये कि हम लोगों का दोनों आदमी का नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ था। मैं भी आजमगढ़ से हूँ और राय साहब भी आजमगढ़ से ही। तो एक बड़ा एक समन्वय, एक गंभीर रिश्ता हम लोगों के बीच में डेवलप हो गया जब हम ट्रेड यूनियन लाइफ में आए। मुझे याद आया कि जब मैं शुरू शुरू में ट्रेड यूनियन करना शुरू किया तो 2-3 बार उन्होंने मेरे को समझाया कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या
नहीं बोलना चाहिए। फिर धीरे से जब मैं उसके बाद जब मैं जूट फेडरेशन में आ गया, स्टेट लेवल देखना शुरू किया पश्चिम बंगाल में, तो मीटिंगों में वो हमारे बड़ी पीठ ठोकते थे और कहते थे कि अच्छा बोलता है, ये चीज ना बोला कर, किसी का नाम लेके क्रिटिसिज्म मत किया कर। वही एक अकेले लीडर थे जो हमको तुम बोलते थे हमेशा, क्योंकि मैं छात्र था उनका और वो अधिकार भी था उनका। तीसरा मुझे बड़ा अनुभव है अभी भी कि 11, 12 या 13 का कोई साल रहा होगा, ILC चल रही थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ILC एड्रेस करने वाले थे। कोई एक मुद्दा ध्यान में मुझे है, मैंने प्रधानमंत्री एड्रेस करने के पहले ही मैं खड़ा हो गया ILC में और हमने कह दिया कि शायद आसाम में कोई बड़ी घटना हुई थी। हमने कह दिया साहब आसाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी आपको उस पर अपना जवाब प्रस्तुत करके ही वक्तव्य रखना चाहिए। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। विज्ञान भवन में मनमोहन सिंह खड़े हैं पोडियम पर अपनी बात रखने के लिए, और इतना बोलने के बाद जब खड़ा रहा तो उन्होंने पीछे से मेरा शर्ट खींच दिया, बैठ जा। मैं चुपचाप बैठ गया। बाद में उन्होंने समझाया प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, तुमको जितना बोलना था तुमने बोल लिया, बैठ, उसके बाद खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब प्रधानमंत्री अपना संबोधन करें या जो उनको एड्रेस करना करें, तुमने अपनी बात जो कहनी थी कह दिया। तो मैंने देखा कई बार, इवन ट्राइपार्टाइट मीटिंग्स में भी बहुत बार वो मेरे को कहते थे घर में होमवर्क करके आया कर, जो जो बैकग्राउंड नोट होता है उसको पढ़ के आया कर। तो लिटरली उनका जो गाइडेंस रहा, उस गाइडेंस ने हमको एक मेच्योर लीडर बनने में मदद की। और एक एक बात हमें बहुत ही गंभीरता के साथ हमेशा याद रहेगी कि उन्होंने हमको कहा कि देख SP, अभी तुम लोग नौजवान हो, अगला भविष्य तुम लोगों को लीडर बनना है, तुम्हारे पास बहुत समय होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लीडर बनो, लकीर के फकीर मत बनो। जमाने के हिसाब में क्या लोगों की जरूरत है, क्या मजदूर की जरूरत है और उसको कैसे उसका समाधान हो सकता है, इसको ध्यान में रख करके आगे बढ़ो तो तुम्हारा ज्यादा नाम होगा। तो कई चीजें उनकी सिखाई हुई, वो हमारे अध्यापक थे ही, और ट्रेड यूनियन लाइफ में चूंकि वो भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री बने, मैं TUCC का महामंत्री बना, फिर बाद में वो अध्यक्ष बने, तो बहुत बार एक दूसरे के साथ हमारा वार्तालाप होता रहा। तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। तो मैं बहुत ही उनकी इस आकस्मिक निधन से मैं बहुत ही मर्माहत हूँ, और मैं TUCC और अपने केंद्रीय कमेटी की तरफ से उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भारतीय मजदूर संघ के लोगों के साथ भी हमारी संवेदना है, क्योंकि एक लंबा समय भारतीय मजदूर संघ को उन्होंने अपने जीवन का दिया, और जिसमें वो ऊंचाइयां, जिस ऊंचाइयों की कल्पना माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की रही होगी, आज BMS उस ऊंचाई पर पहुंचा है और इस ऊंचाई पर वो लंबे समय तक रहे, ये हमारी शुभकामना भी है। और ये भी है कि राय साहब की जो टीचिंग्स है, राय साहब का जो मार्गदर्शन है, वो भारतीय मजदूर संघ को और आगे ले जाएगा, और भारतीय मजदूर संघ भारत के श्रमिक जगत में मजदूरों की जो अपेक्षाएं हैं उससे उस पर खरा उतरेगा अगर ये काम भारतीय मजदूर संघ करता है और हम लोग मिल करके राय साहब की इस इच्छा को पूरी करते हैं, तो ये राय साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही कहते हुए मैं एक बार उनको फिर से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर सुल्तान, ही इज रिप्रेजेंटिंग ILO एंड ही इज विद अस सिंस वेरी अर्ली 5:30 इटसेल्फ एंड ही इज कनेक्टेड फ्रॉम ढाका। ब्रजेश उपाध्याय जी, Thank you, brother Upadhyay. Actually, I think so, my video is a little bit disturbing, so I'm not opening the video that can. Okay. We have your picture in our mind, in our heart. We can understand. Yeah. Please continue. Thank you very much, and thank you, Chair, and all the center leaders here, and family members and friends of late Ian Rai Ji. Actually, on behalf of ILO Director Delhi, Walter Dagmar, and on behalf of ILO Active Director Maria Helena, both of them personally told me to convey their condolence and message to all of you.
and personally on behalf of me. As we are actually hearing from his friends, comrades, and others from the central leaders, I don't think that I should say anything about him. Because in Bangla, there is a saying, you should not tell a story of your mama barir golbo maake bolte nahi. There are those who are Bangali, they understand these things. So actually, I would like to pay the respect and honor to him on behalf of ILO. And by honoring him, actually, we honored us always. Whenever we honor some of the dedicated leaders like him, we actually honored us. And as you know that, the most importantly, he built organization with his, spent his whole life with dedication and everything. We see heard from our, from his friends and comrades of his struggle. So I think the most, the best way to honor him, to advancing his mission, what actually BMS and the labor movement, Indian labor movement is doing. This is the strength of the trade union, that all of we are actually come together in the time of crisis. So this now, this today's meeting, today's condolence meeting projecting again, that though we have difference maybe, but we can come together, the cause of workers, cause of the trade union movement. I don't want to prolong my speech because we heard many things and still we have BMS leaders, those who will talk on him. I would like to say that we are passing very difficult time. The whole humanity actually passing very difficult time. And workers are the most worst victim of this pandemic. And the Raisi himself is actually a victim of these things. So to honor him, we need to act as he was acted, dedicatedly, advancing the workers' rights, sacrifice his life for the to ensure the safety, dignity, and rights of the workers. And I think, I hope that his organization and the trade union movement, and we all together, ILO ACTRA is also part of the movement. So we all together will go ahead with his ideology, dedication, and everything. I again pay my homage and honor to him and sympathy to his family and all the BMS members, leaders, and all the trade union leaders. And thank you, give me the opportunity to honor him and talk with him. Thank you very much. Thank you. Thanks, brother, for staying us with us. And abhi Bejnath ji ke parivar ke unke putra, putrabadhu, putri, aise parivar ke sab log hain. जिन्होंने बैजनाथ जी को उस रूप में देखा होगा, मेरे पिताजी हैं, मेरे ससुर हैं, इसी रूप में देखा होगा, किंतु परिवार के बाहर बैजनाथ जी का जो सारा जीवन था, और मैं से समझता हूँ निज के खुद के परिवार से ज्यादा समय, ज्यादा सामर्थ्य उन्होंने इस सार्वजनिक जीवन में लगाया है, तो हमने उनके परिवार से, परिवार के सदस्यों से बैजनाथ जी का बहुत सारा समय हम सब लोगों ने ले लिया था, इसका अभाव उनको रहा होगा, पूरे जीवन इसका कष्ट उन सबको रहा होगा, वो भी बैजनाथ जी ने जो समाज में स्वयं का योगदान दिया उसके कारण, उनको लेकर के समाज में जो चिंतन या ये जो एक खलास आया है, जो एक रिक्तता पैदा हुई है, वो उनके साथ ही, परिवार के साथ ही, पूरे समाज को, पूरे श्रमिक जगत को रहती है। उनके परिवार से उनके बड़े पुत्र श्रीमान संजय राय जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। श्रीमान संजय जी, संजय जी जी नमस्कार। हाँ, संजय जी, आज इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित भारत के सभी ट्रेड यूनियन से आए नेतागण को मैं एक नमस्कार करता हूँ, साथ में भारतीय मजदूर संघ के सभी अधिकारी को भी नमस्कार करता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आज यह श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मुझे और मेरे परिवार को यह गर्व महसूस हुआ कि पिताजी क्या किए, और वो चाहे जिस भी पद पर रहें, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता रहें, चाहे अध्यक्ष रहें, चाहे महामंत्री रहे, चाहे जहां भी रहे, हर पद का उन्होंने सही ढंग से निर्वहन किया। जिसके साथ भी रहें उसको अपने मंत्र बुक्ध अपने बातों से अपनी ओर आकर्षित किया,
कोई भी उनसे दुखी नहीं है। जो भी आज उनके सामने अपने अपने व्यक्त को रखा, मुझे लगता है यह स्मरणीय समय रहा होगा। जीवन में उन्होंने जो भी किया, भारतीय मजदूर संघ के लिए किया, भारतीय मजदूर संघ का जो सपना 1955 में श्रमिकीकरण से लेकर के जो भी रहा होगा, उसको चरितार्थ करने में बाबूजी ने एक सहयोग किया। वो चाहे श्रमिकीकरण हो, चाहे लेखन की तरफ हो, उन्होंने चूंकि वो साइंस के टीचर थे, तिवारी जी जानते होंगे, वो विज्ञान के टीचर थे, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी, स्वदेशी अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है उस पर भी उन्होंने पुस्तक लिखा, साथ में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी किया। इस तरह जीवन के हर क्षण में कुछ ना कुछ किया, मजदूर के लिए रहे, मजदूर के साथ रहे, अपना जीवन दिया। आज हम लोगों को गर्व होता है, अपने परिवार को गर्व होता है कि वो जो समय परिवार को नहीं दिए, समाज को दिए, समाज उससे लाभान्वित हुआ। यही कह करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है कि इसमें समय का अभाव रहता है, अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, तो मैं एक बार सबको आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद संजय जी। अपने भारत सरकार के श्रम मंत्री श्रीमान संतोष गंगवार जी का भी शोक संदेश प्राप्त हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। स्वर्गीय श्री बैजनाथ राय जी के दुखद निधन पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। श्री बैजनाथ राय जी 20 वर्ष की छोटी आयु में ही उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों की दशा से व्यथित हो श्रम संगठन आंदोलन से जुड़ गए थे। श्री बैजनाथ राय जी की संवेदनशीलता एवं श्रमिकों के कल्याण की दिशा में किए गए उनके निरंतर प्रयासों को सदैव याद रखा जाएगा। श्री बैजनाथ राय जी ईपीएफ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य भी थे, इस नाते से भी ये हमारे लिए दुख का विषय है। देश विदेश में फैली महामारी COVID-19 से ग्रसित होने के बाद श्री राय जी का देहावसान 8 अगस्त को हो गया था, यह हमारे लिए अत्यंत दुखद है। मैं प्रभु से उनकी आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों और आप सभी को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। संतोष गंगवार जी, उनका शोक संदेश प्राप्त हुआ है। वो आने वाले थे लेकिन किसी एक इवेंट में थे, वहां से वो निकल नहीं पाए, टाइमली कनेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका संदेश आया है। अब इस कार्यक्रम के आखिर में हमारे परिवार के संगठन परिवार की प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह और जो भारतीय मजदूर संघ के पालक अधिकारी के नाते हमारे बीच में हम सब का मार्गदर्शन करते हैं श्रीमान भागैया जी, तो मैं भागैया जी को निवेदन करूंगा। वो भी कलकत्ता में है, मुझे कह रहे थे मुझे भी कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी वो प्रयास करेंगे। मैं मान्यवर भागैया जी को निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन रखें। मान्यवर भागैया जी, सभी को नमस्कार। सम्माननीय बैद्यनाथ राय जी, उनका जीवन एक आदर्श के लिए समर्पित था। बंगाल में जन्म लेकर बंगाली भाषा में भाषा के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश गंगा के तट से आकर, वैसे बंगाल में उन्होंने रम गए हैं, उनके जीवन में बहुत परिश्रमी थे और सरल थे। अभी सब लोगों का अनुभव जो बताए, सरलता से सबसे मिलनसार थे और उनका जो बोलने का स्वर था, मधुर था। बहुत लंबा समय जीवन में उन्होंने मजदूरों के लिए, भारतीय मजदूर संघ के लिए सारे देश में प्रवास किए। विनम्रशील होने के कारण लाखों कार्यकर्ताओं के मनों में, मजदूरों के हृदय में स्थान पाया उन्होंने। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में,
यानी मजदूर क्षेत्र में, तीनों में समन्वय उन्होंने किया। अभी उनके सुपुत्र संजय जी जो बोल रहे थे, उन्होंने घर के लिए समय कम दिए लेकिन घर को ठीक तरीके से गढ़े उन्होंने, इसलिए उनके सुपुत्र पूरा परिवार अच्छी स्थिति में उनका पालन पोषण हुआ। ऐसा जीवन में समन्वय करते हुए उन्होंने अपना जीवन बिताए। इसलिए जब लोग बोलते हैं समाज जीवन में काम करने वाले परिवार जीवन को छोड़ देते हैं, उनका परिवार खराब होता है, ऐसा नहीं। बैद्यनाथ जीवन के परिवार में पुत्र सारी परिवार अच्छे संस्कार पाए हैं, योग्य बने हैं, श्रद्धालु बने हैं और एक विचारधारा के लिए समर्पित लोग बने हैं, और वो स्वयं तो आदर्श के साथ ध्येय के साथ जीवन समर्पित किए हैं। उनका गहन अध्ययन था, लेखक भी थे और उन्होंने जब बोलते थे, अभी बंगाल में दोपहर को हमारे चर्चा कलकत्ता कार्यालय में हो रहा था, एकात्म मानव दर्शन के बारे में, स्वदेशी चिंतन के बारे में, अर्थ चिंतन के बारे में, भारतीय मजदूर संघ के विचारधारा के बारे में जब वो बोलते थे, बहुत प्रभावी ढंग से बोलते थे, अध्ययनशील होने के कारण और स्वयं टीचर भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण उनका प्रबोधन का प्रभाव सारे लोग आज भी महसूस करते हैं। लंबा समय काम करते हुए भारतीय मजदूर संघ को एक सफलता की ओर ले जाने का, उच्च स्थिति में ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। भारतीय मजदूर संघ का जो विचारधारा है, मजदूर संघ का नाम बड़ा करने के लिए नहीं है, मजदूरों के हित में है, देश के हित में है और राष्ट्र के हित में है और मानवता के हित में है। इस विचारधारा को उन्होंने अभी अशोक सिंह जी, बाद में बाकी लोगों ने, जो लोगों ने बताया, हमारे कॉमरेड भाई साहब सेन जी, बाकी कलकत्ता से सीपीएम के जो लेफ्टिस्ट लीडर्स बताए, सब लोगों ने बताया, संयुक्त मोर्चा में सबके साथ मिलकर उन्होंने काम किए। ये तो यही भारतीय विचारधारा की विशेषता है कि अपने संगठन का नाम, अपने व्यक्तिगत नाम के ऊपर न रखते हुए, अपने न रखते हुए मजदूरों के हित में, लेकिन देश के हित में और राष्ट्र के हित में और मानवता के हित में काम करने के लिए अपने अहंकार छोड़कर, अपने संगठन का अभिनिवेश भी छोड़कर, इतने बड़े बड़े नेताओं के हृदय में इन्होंने स्थान पाए। और ये बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, बहुत तपे हुए लोग हैं, ऐसे तपे हुए बड़े बड़े लोगों के हृदय में स्थान पाकर आत्मीयता से उन्होंने सब मिलकर, विरोध के लिए विरोध नहीं है, राजनीति के लिए राजनीति नहीं है और लेबर मूवमेंट राजनीति नहीं है, दुर्भाग्य से राजनीति प्रवेश हो गया, मजदूरों के द्वारा मजदूर के हित में और मजदूरों के द्वारा राष्ट्र हित में, मजदूरों के द्वारा समाज हित में काम करने का जो बीड़ा उठाए उन्होंने सफलता से, आज हम देखते हैं। इसलिए सारे लोगों ने, हमारे मतभिन्नता हो सकता है, हमारे संस्था अलग हो सकता है, लेकिन यूनाइटेड लेबर मूवमेंट जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छे हृदय से बोल रहे हैं, वैसे सारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए जो एकात्मता का संदेश है, एकात्मता का अनुभूति है, भारतीय चिंतन ने एकात्मता, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, ऐसे इंक्लूसिव सबके साथ मिलकर करने का जो हृदय था, उनका व्यवहार था, उनका जो अनुभव अनुभूति था, वो हमारे लिए सबके लिए आचरणीय है। और उन्होंने पद से मुक्त होने के बाद काम से मुक्ति नहीं लिए और सेवा कार्य करने का उनके अंदर कितने लालायित थे, मेरे साथ बहुत बार चर्चा किए,
मैं हौरा में प्रवास था, वहां आए पूरे फाइल सब लेकर। मैं बोला से सेवा अवश्य करना चाहिए, तो सेवा करने की उनकी इच्छा थी, इसलिए एक एरिया लेकर बंगाल में एक जिला या उत्तर प्रदेश में जो भी आपको लगता है वहां सेवा करके विकास का परिवर्तन दिखाना चाहिए, ऐसे मैं भी उनको प्रार्थना किया। इसलिए उनका जीवन संवेदनशील था, हृदय में तड़पन था, और हृदय में संवेदनशीलता तड़पन के कारण परिश्रमशील थे। ऐसे एक हमारे अपने ज्येष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने ध्येय के लिए जिए हैं, अब कोरोना के कालखंड में सारे परिवार भी प्रयास किया, डॉक्टर भी प्रयास किए, लेकिन अब वो विधि का निर्णय है तो उनको शरीर से लेकर गए हैं, लेकिन उनके जो संवेदनशीलता है, निरहंकारिता है, परिश्रमशीलता है, विनम्रता है, और एक ध्येय के लिए जीवन भर खून पसीना करके काम करने का और संगठन सर्वोपरि है ऐसे जीने का, और इतना संगठन काम करते करते जब दायित्व बदलने का समय आया, योग्य लोगों के कंधे के ऊपर पूरा दायित्व लेकर उन्होंने दायित्व से पद से मुक्त किए, और हम देखते हैं उनके कालखंड में जीवन के समय में अभी जो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व है उन्होंने सफलतापूर्वक और अच्छी तरह से सबको साथ लेकर भारतीय मजदूर संघ को अच्छी स्थिति में ले जाने में और इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र हित में काम करने में और संकट काल में विचलित न होते हुए एक मन से, एक हृदय से भारतीय मजदूर संघ की जो विचारधारा, ध्येय राष्ट्र के लिए समर्पित, मानवता के लिए समर्पित, मजदूरों के द्वारा निहित स्वार्थ राजनीति न करते हुए राष्ट्र हित में काम करने का जो रास्ता बनाए माननीय ठेंगड़े जी ने, उस रास्ते में आज के जो नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, ऐसे वैद्यनाथ राय जी के चरणों में मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। मिले ऐसे भगवान से प्रार्थना और उनके परिवार के साथ हम सब है, और हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना इस कष्ट काल में इस कष्ट को सहन करते हुए धैर्य से, विश्वास के साथ और उनके अंदर की सहनशीलता, परिश्रमशीलता अपने जीवन में लाते हुए हम संगठन के लिए, आदर्श के लिए, मानवता के लिए समर्पित करने के लिए आगे बढ़े, और परिवारजनों को भी मैं पूरा विश्वास देते हुए, संजय जी से मैं फोन पर बात किया, अभी तक मिलना नहीं हुआ, मैं भी कलकत्ता आया एक सप्ताह से, बाद में मिलेंगे परिवार से, ऐसे सभी कार्यकर्ता जितने भी बीएमएस के कार्यकर्ता है जिनके मन के अंदर संबंधों के कारण आत्मीयकरण दुख है, उस पीड़ा से ऊपर उठकर हम सब आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़ने के लिए शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरे वचन को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं अपने अध्यक्ष श्रीमान सजी नारायण जी को निवेदन करूंगा, वो सभी हमारे आमंत्रण पर उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त करेंगे और आज की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। श्रीमान अध्यक्ष जी, सजी नारायण जी, सभी को नमस्कार। अभी तक मेरे को अकाउंट बिलीव कि बहिन्या जी हमको छोड़ के चले गए हैं। अभी जब संजीव कुमार राय जी को देखते समय, उनके सुपुत्र देखते समय, बैजनाथ जी का चेहरा याद में आता है, ऐसा लगता है बैजनाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं। पहली बार बैजनाथ जी को मैंने मेरा मुलाकात हुआ उस समय, लगता है मैं एक जिला कार्यकर्ता था उस समय। उस समय उनका एक छोटी सी किताब मैंने पढ़ा, कलकत्ता जूट मिल में उन्होंने जो श्रमिकीकरण के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में एक किताब, तो उनसे मिलने का एक इच्छा हुआ। जब प्रवास में केरल में आया था मैं उनसे मिलने के लिए गए, उस समय से होकर एक अच्छा रिश्ता उनके साथ थे, एकदम सरल आम कार्यकर्ता के साथ इतना अच्छी तरह सरल रूप से वो व्यवहार करते थे, सारी बातें बताते हैं। ये बहुत बिल्कुल हम सबके लिए
एक अनुकरणीय मॉडल जैसे है। उस समय ऐसा सोचा नहीं कि एक दिन आएगा उनके साथ साथी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। जब 2011 में बैजनाथ जी भारतीय वस्तु संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बना था, उसके साथी के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व भी निभाने का मौका मेरे को मिला और एक तो एक बहुत बड़ा अनुभव था। उस समय 3 साल उनके साथ काम किया। उस समय उनका वो भारतीय वस्तु संघ में बहुत बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, फिर भी हर मुद्दे पर उन्होंने मेरे साथ बातचीत किया था। बाकी पदाधिकारी लोगों से बात करके ही निर्णय लेते थे। ऐसा एक स्वभाव, सरल रूप से हमेशा कम्युनिकेशन बनते रहते थे। ये स्वभाव बिल्कुल हमारे लिए भूल नहीं सकते, ऐसा था। और कई हमने ILO में एक साथ गए थे, कई कार्यक्रम में एक साथ गए थे। उस समय उनके साथ एक मित्र, सहज मित्र के रूप में उन्होंने इतना व्यवहार किया, वो बिल्कुल भूल नहीं सकते। और अभी अंत में भी उन्होंने बहुत लिखने की आदत थे, उन्होंने उनका किताब भी छापा था। उसी तरह हम सबके मन में कई मुद्दों उनका कुछ सिग्नेचर पॉइंट्स उन्होंने रखा है, इसलिए हम केवल इतना ही बोल सकते कि वो हमको छोड़ के गया था और उनका जो लॉस उसको सहन करने का शक्ति भगवान हमको देंगे। इतना ही प्रार्थना करते हुए मैं आज की इस कार्यक्रम में भाग लिया। सभी वरिष्ठ नेता, भारत के ट्रेड यूनियन के सभी वरिष्ठ नेता लोग, मैं हर एक के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, सबको मैं भारतीय मजदूर संघ के ओर से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए भाग लेने के लिए। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारी वाह जी भागैया जी को भी धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को हमारे इसके भाग लिया, जो कार्यकर्ता बाकी बंधु सब लोग और YouTube से सुनने वाले देश भर के कार्यकर्ता लोग, भारतीय मजदूर संघ के और अन्य कार्यकर्ता लोगों को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करता। एक राष्ट्रीय चाटकाल मजदूर यूनियन करके RCMU, उसका अभी के कार्यकर्ता सामी अख्तर जी है और उनका जो पिता उनका पहले वाला नेताजी, उनको भी उनका साथ में संबंध था, एक बड़ा यूनियन का, वो लोग भी इसमें भाग लिया है। इसलिए कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आप सब लोगों को फिर एक बार सभी को धन्यवाद। सारे देश से सभी लोग आया है, आपके भी धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सभी को, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते, 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 नमस्कार जी, हाँ नमस्कार सबको, नमस्कार सबको, नमस्कार, 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 थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार।